नमस्कार, सुर्खियों से आगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक राजा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासत लगातार गर्मा रही है। सियासत के गर्माने की शुरुआत हालांकि केंद्र में मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के साथ ही हो गई थी, लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं, मोदी विरोधी में पार्टियों के बीच गठजोड़ करने की शुरुआत हो गई है। आज हम सुर्खियों से आगे में इन्हीं सियासी गठबंधनों की बात करेंगे। मोदी विरोधी इन गठबंधनों में गांठ बहुत सारी हैं और इन्हीं गांठों की वजह से विपक्ष के गठबंधन को लेकर बीजेपी चुटकियां ले रही है और निशाना साध रही है। मोदी विरोधी गठबंधन वैसे तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बनता दिख रहा है, लेकिन गठबंधन का सबसे बड़ा स्वरूप शनिवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिखाया। ममता ने कोलकाता में मोदी विरोधी रैली की। रैली में ममता के साथ 18 दलों के नेता थे। मंच पर 18 दलों के 24 नेताओं का साथ मिला। बीजेपी के असंतुष्ट यशवंत सिन्हा भी रैली में थे। बीजेपी के ही शत्रुघ्न सिन्हा भी रैली में गए थे। सभी नेताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर आग उगली। मोदी पर भ्रष्टाचार और अन्य आरोप लगाए गए। देश के ताने बाने को नष्ट करने का आरोप लगा। राफेल, नोटबंदी, किसानों का मुद्दा भी उठाया गया। संवैधानिक संस्थाओं को भी नष्ट करने का आरोप लगा। वहीं कोलकाता में 22 दलों के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वहीं मोदी ने भी देश के पश्चिमी हिस्से से इस गठबंधन के निशाने का जवाब दिया। महाराष्ट्र के सिलवासा में मोदी ने कोलकाता के मंच पर मौजूद नेताओं को बातों ही बातों में भ्रष्ट करार दे दिया। मोदी ने किया पलटवार। महाराष्ट्र के सिलवासा में मोदी ने गर्जना की। विपक्ष के गठबंधन पर मोदी ने निशाना साधा। मोदी ने विपक्ष की जमीन खिसकने की बात कही। मोदी ने विपक्ष को जनता से दूर भी करार दिया। मोदी ने कहा कि मुझे गाली ही देते रहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों को फिर अपना परिवार कहा। मोदी ने कहा सबकी कमाई बंद कर दी, कमाई बंद होने से एकजुट होने से आरोप लगाया, महागठबंधन को जनता के खिलाफ बताया। तो कोलकाता में 18 विपक्षी दलों के 4 मुख्यमंत्री, 1 पूर्व प्रधानमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 24 नेता मंच पर मौजूद थे। लेकिन खास बात यह कि गठबंधन अगर केंद्र से मोदी की सरकार को हटाने में कामयाब हो गया तो पीएम कौन बनेगा, इसका कोई जवाब नहीं था। विपक्षी गठबंधन का पीएम कौन? तो बड़े नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने की रैली। कोलकाता में भारी भीड़ भी जुटाकर दिखाई। विपक्ष के पीएम चेहरे पर सभी नेता चुप। ममता ने कहा चुनाव बाद तय करेंगे। विपक्ष में पीएम चेहरे पर विरोधाभास दिखा। ममता ने कहा सभी नेता पीएम बनने लायक हैं। ममता ने बीजेपी को हराना प्राथमिकता बताई। यूपी से बीजेपी की जीरो करने को कहा और यशवंत सिन्हा ने पीएम की चर्चा छेड़ी। एक नेता को पीएम फेस बनाने के लिए कहा। तो ये तो रही कोलकाता में मोदी विरोधी 18 दलों के गठबंधन की बात। अब देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन से गठबंधन ने मोदी के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। यूपी में अखिलेश माया साथ। मोदी के खिलाफ यूपी में एक और गठबंधन बना है। अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया। 38-38 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। अमेठी रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। रायबरेली सोनिया गांधी की संसदीय सीट है। और सीटें गठबंधन ने छोड़ी हुई हैं। आरएलडी भी गठबंधन में आ सकता है और कुछ और दलों को भी साथ लेने की योजना है। सुभाषपा अपना दल को गठबंधन साथ ले सकती है इसमें। और अखिलेश मायावती ने मोदी पर खूब जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, सीबीआई के जरिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। खनन मामले में अखिलेश यादव घिरे हैं।
मायावती ने अखिलेश को पाक साफ बताया। मोदी पर संविधान से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। मायावती ने सवर्णों को भी रिझाने की कोशिश की, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। तो अखिलेश और मायावती ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन यूपी में अपने इस गठबंधन में कांग्रेस को कोई जगह नहीं दी। मायावती ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कांग्रेस को भी बीजेपी जैसा ही बता दिया। कांग्रेस से दूरी की मजबूरी, माया अखिलेश ने कांग्रेस से बनाई है दूरी। यूपी के गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं दी। कांग्रेस पर मायावती ने हमला जारी रखा। कांग्रेस पर वोट का फायदा लेने का आरोप लगाया, दलित वोटों का फायदा लेने का आरोप लगाया। सिर्फ अमेठी रायबरेली की सीटें ही कांग्रेस को दी। अखिलेश ने भी कांग्रेस पर कई बार हमला किया। अखिलेश ने कांग्रेस के साथ पहले की थी डील, 2017 चुनाव में कांग्रेस सपा की डील हुई थी। कोलकाता में ममता बनर्जी के मंच पर 18 दलों के नेताओं का जमघट, और यूपी में माया और अखिलेश के गठबंधन तो मोदी के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गए। लेकिन ममता के गठबंधन में माया और अखिलेश के अलावा कांग्रेस भी नहीं है। बहरहाल आपको बताते हैं 2017 में यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का क्या हश्र हुआ था। यूपी में गठबंधन हुआ था ढेर। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। लखनऊ में राहुल अखिलेश ने ऐलान किया था, राहुल अखिलेश ने साझा रोड शो भी किया था। चुनाव के नतीजे में दोनों दलों की दुर्गति हुई थी। 298 सीटों पर सपा के उम्मीदवार उतरे थे, 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। सपा को महज 47 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीती थी। बीजेपी ने 403 में से 325 सीटें जीती थी। मोदी के खिलाफ बयानों से भी नहीं जीते, नोटबंदी को मुद्दा बनाने के बाद भी हार गए। कांग्रेस सपा ने नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया था। तो अभी हमने आपको बताया कि यूपी में किस तरह सपा और बसपा ने गठबंधन बनाया, और यूपी में ही 2017 के विधानसभा चुनाव में नोटबंदी और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन मोदी, या यूं कहें कि बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कर सका था। अब यूपी में मोदी विरोधी गठबंधन के सामने एक नई फांस थी। ये फांस है अखिलेश के चाचा की। चाचा की फांस कैसे निकलेगी? शिवपाल सिंह यादव ने बनाई है अलग पार्टी। अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल सिंह। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है, शिवपाल को चाभी चुनाव चिन्ह मिला है। शिवपाल ने खुद को किंगमेकर बताया है, चुनाव के बाद किंगमेकर बनने की बात कही है। मायावती ने शिवपाल को बीजेपी का साथी बताया। माया बोली थी कि शिवपाल पर बीजेपी पैसा लगा रही है, बीजेपी का पैसा बहने की बात कही थी। मुलायम की सीट छोड़ सकते हैं शिवपाल। कांग्रेस ने भी शिवपाल से बात की है। शिवपाल ने 15 सीटें कांग्रेस से मांगी थी, सीटों की संख्या को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया। अलग रहने पर 79 सीटों पर लड़ने की उम्मीद। शिवपाल वोट काटेंगे तो गठबंधन को मुश्किल होगी। चाचा की फांस कैसे निकाल सकेंगे अखिलेश, बड़ा सवाल। तो ये तो हुई मोदी विरोधी गठबंधन की बात। अब जरा जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के गठबंधन से भिड़ने के लिए मोदी के साथ कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं। मोदी के साथ कौन? 2015 में एनडीए में 35 दल शामिल थे, 13 राज्यों में अभी एनडीए की सरकारें हैं। बीजेपी का साथ कई दलों ने छोड़ दिया है। अभी एनडीए में 13 राजनीतिक दल हैं। एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी के सहारे बेड़ा पार लगाने की कोशिश होगी। बीजेपी से हाल ही में 3 राज्य छिन गए हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सत्ता गंवाई है। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। असम गण परिषद ने साथ छोड़ दिया है, तेलुगु देशम साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ है, शिवसेना भी बागी तेवर दिखा रही है, बीजू जनता दल टीआरएस भी अलग हैं। बिहार में नीतीश कुमार अभी साथ में हैं, विपक्ष में विरोधाभास पर बीजेपी की नजर। पंजाब में अकाली दल भी बीजेपी के साथ हैं। यूपी में अपना दल मोदी को दांव दे सकता है।
सुभाषपा भी बीजेपी का साथ छोड़ सकती है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी भी अब साथ नहीं है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुर्खियों से आगे में मोदी विरोधी गठबंधन पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले बन रहे गठबंधनों की, और अब हम देखते हैं एनडीए ने गठबंधन की राह पकड़कर किस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। अटल ने दिखाई थी गठबंधन की ताकत, बीजेपी ने गठबंधन की ताकत दिखाई थी। 26 दलों की गठबंधन सरकार केंद्र में चलाई थी, 13 दिन 13 महीने और पूरी समय सीमा की सरकारें बनी। जयललिता और ममता ने साथ छोड़ दिया था, फिर भी अटल ने सरकार बनाकर सबको चौंका दिया। 1998 से अटल ने 3 बार सरकार बनाई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में हारा था एनडीए। तो एनडीए ने केंद्र में 6 साल तक कांग्रेस को बाहर रखा था, लेकिन 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे ने एनडीए को केंद्र की सत्ता में अंधेरे की ओर धकेल दिया था। बावजूद इसके गठबंधन की राजनीति परवान चढ़ती रही। कांग्रेस को भी 10 साल तक सरकार चलाने के लिए गठबंधन यानी यूपीए बनाना पड़ा था। कांग्रेस ने भी किया था गठजोड़। 2004 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार रही। यूपीए गठबंधन में भी कई दल शामिल थे। कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर सरकार चलाई। दक्षिण में द्रमुक से भी कांग्रेस ने हाथ मिलाया। पूर्वोत्तर में कई पार्टियां यूपी में शामिल रहीं। 2004 में बीजेपी को हराकर केंद्र पर बैठा यूपीए। 2014 मई तक यूपीए की केंद्र में सरकार रही। गठबंधन की राजनीति अब भी कर रही है कांग्रेस। कई दलों को साथ लेकर चलने की तैयारी में है। यूपी में छोटी छोटी पार्टियों पर कांग्रेस की नजर है। दक्षिण में द्रमुक तेलुगु देशम भी साथ में हैं। पहले के कई साथी अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं। 2019 में नए साथियों की तलाश में है कांग्रेस। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ यूपीए है, लेकिन एक तीसरा मोर्चा नाम का गठबंधन भी भारत की सियासत में चुनावों के वक्त खड़ा होता रहा है। तीसरे मोर्चे की सियासत, सरकार विरोधी तीसरा मोर्चा बनता रहा है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गठजोड़ बनाया, कांग्रेस के खिलाफ गठजोड़ बनाकर मैदान में उतरे थे। मुलायम सिंह भी वीपी सिंह के साथ तब थे। वाम दलों और बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। तेलुगु देशम और वाम दलों ने भी साथ दिया था। जनता दल SB उस वक्त साथ आया था। सभी ने मिलकर कांग्रेस को बाहर कर दिया था। केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बन गई थी। ज्यादा दिन हालांकि चल नहीं सकी थी सरकार। मंडल और कमंडल में पिस गए थे वीपी सिंह। तीसरे मोर्चे की जानकारी हमने आपको दी, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से गठबंधन टूटता गया। मंडल कमंडल में घिरे वीपी। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की गई थी। ओबीसी को वीपी सिंह ने आरक्षण दिया था। मंडल रिपोर्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। सवर्ण छात्रों ने मंडल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई जगह छात्रों ने आत्मदाह कर दिया। बीजेपी ने इस बीच राम मंदिर का मुद्दा उछाला। आडवाणी रथ यात्रा लेकर सोमनाथ से चले। बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने वीपी सरकार से समर्थन वापस लिया। अल्पमत में आए वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जनता दल भी टूट गई। कुछ नेता ही वीपी सिंह के साथ बचे, जबकि तीसरे मोर्चे के एक और बड़े नेता चंद्रशेखर के इर्द गिर्द ज्यादा नेता हो गए। चंद्रशेखर को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, लेकिन ये सरकार भी कम दिन ही चली। नहीं चल सकी चंद्रशेखर की सरकार। चंद्रशेखर ने गठजोड़ की सरकार चलाई। कांग्रेस ने बाहर से चंद्रशेखर को समर्थन दिया। चंद्रशेखर के वक्त खजाना खाली होने लगा। सोना विदेश में सरकार ने गिरवी रख दिया था। राजीव गांधी के घर के बाहर दो लोग धरे गए। दोनों हरियाणा पुलिस में काम करते थे। कांग्रेस ने जासूसी कराने का आरोप लगाया। चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया।
केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, देवगौड़ा और गुजरात की भी सरकारें बनी, दोनों नेता भी विपक्ष की सरकार नहीं चला पाए, कांग्रेस ने दोनों की सरकारें गिरा दी, विपक्ष के गठबंधन का यहां अंत हो गया। देश में दूसरी बार विपक्ष ने बनाई थी सरकार, लंबे समय तक नहीं चला सके गठबंधन। अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश में कब पहली बार बनी कांग्रेस विरोधी विपक्ष के गठबंधन की सरकार और उस सरकार का क्या हश्र हुआ था। इस ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब तक हमने आपको 2019 के कुछ महीनों बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधी गठबंधन और देश में 1990 में बने कांग्रेस विरोधी गठबंधन की सरकार और उसके इतिहास की जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं कि केंद्र से कांग्रेस को हटाने के लिए कब विपक्षी दलों ने गठजोड़ किया था और उस गठजोड़ का क्या हश्र हुआ था। इमरजेंसी से लोग हुए थे खफा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लागू रही थी। इमरजेंसी से देश में हालात विषम हो गए थे। जनता भी इंदिरा गांधी के कदम से नाराज हो गई थी। इमरजेंसी के बाद चुनावों का ऐलान किया गया। चुनाव के ऐलान के बाद विपक्ष का गठबंधन बना, जनता पार्टी बनाकर कांग्रेस का मुकाबला किया। विपक्ष की जनता पार्टी को केंद्र से बहुमत मिला। दक्षिण भारत छोड़ पूरे देश में कांग्रेस हार गई। उत्तर के सभी राज्यों में कांग्रेस बाहर हो गई। 1977 के चुनावों में कांग्रेस को बाहर कर जनता पार्टी की सरकार तो बनी, लेकिन ये सरकार काफी दिन तक नहीं चल सकी। दोहरी सदस्यता और नेताओं के बीच आपसी खींचतान इस सरकार के गिरने की वजह रही। मोरारजी और चरण सिंह का दौर। जनता पार्टी के साथ साथ तब जनसंघ साथ में थी। बीजेपी से पहले पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था। जनसंघ के सदस्यों की दोहरी सदस्यता का मसला उठा। जनसंघ ने अपनी सदस्यता छोड़ने से इनकार किया। चौधरी चरण सिंह भी मुरारजी के खिलाफ हो गए। मुरारजी के खिलाफ चरण सिंह ने विद्रोह किया। तमाम साथियों को लेकर अलग हुए चरण सिंह। चरण सिंह सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। वहीं 28 जुलाई 1989 में पीएम बने थे चौधरी चरण सिंह। महज 5 महीने ही सरकार चला सके चरण सिंह। इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। विश्वास मत लेने से पहले चरण सिंह का हुआ इस्तीफा। 14 जनवरी 1980 तक पीएम रहे थे चरण सिंह। चरण सिंह सरकार गिरने के बाद फिर चुनाव हुए। चुनाव के बाद कांग्रेस ने फिर केंद्र में सरकार बनाई। इस तरह देश का पहला विपक्षी गठबंधन ढेर हुआ। 1980 में चरण सिंह की सरकार गिरने के साथ ही देश के पहले कांग्रेस विरोधी गठबंधन का भी अंत हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने जब सरकार बनाई तो 1990 तक उसे हिलाने वाली कोई पार्टी नहीं दिख सकी। लग रहा था कि कांग्रेस को अब कोई मात नहीं दे सकेगा, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और फिर राजीव गांधी के राज में बोफोर्स तोप घोटाले ने विपक्ष को मानो एक संजीवनी दे दी। बोफोर्स ने दी विपक्ष को संजीवनी। राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले में फंसी। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली खाने का आरोप लगा। वीपी सिंह ने राजीव गांधी सरकार छोड़ दी। विपक्षी दलों को वीपी सिंह ने एकजुट कर लिया। बीजेपी और वाम दल भी वीपी सिंह के साथ आए। 1990 में जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई गई। विपक्ष के सारे समाजवादी नेता एकजुट हो गए। विपक्ष की एकजुटता ने कांग्रेस को हरा दिया। 10 साल शासन के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। तो आज सुर्खियों से आगे में हमने आपको भारत की सियासत में बने दलों के गठबंधन की जानकारी दी। हमने आपको बताया कि कैसे इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी विरोधी दल एकजुट हो रहे हैं और इनके बीच विषमता क्या है। हमने आपको
पहले विपक्ष के गठबंधनों का इतिहास भी बताया और इससे यह साबित होता है कि विपक्ष ने भले ही सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गठबंधन बनाए लेकिन वे एनडीए और यूपीए की तरह कामयाब नहीं हो सके। इस बार मोदी विरोधी गठबंधन भी कितना सफल रहेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।